मेरा नाम डॉक्टर हसन रशीद है। मैं रजिस्ट्रार हूँ ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज कराची में। आज मैं आपको कुछ ऑर्थोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल के बारे में बताऊंगा जो कॉमनली यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट मैं करा रहा हूँ वो ये है मैथ्यूज़, इसका नाम मैथ्यूज़ है। इस तरह क्लोज होता है, इस तरह ओपन होता है, इस तरह क्लोज होता है, इस तरह ओपन होता है। मैथ्यूज़ का फंक्शन ये है कि इसकी मदद से हम लोग ओरिंग लगाते हैं, ओरिंग्स लगाते हैं और लाइगेचर वायर लगाते हैं। दूसरा ये ओरिंग्स, ये ट्रांसपेरेंट कलर के भी होते हैं, ग्रे कलर के भी, मल्टी कलर के भी होते हैं। ओरिंग्स का काम ये है कि ओरिंग से वायर जो है वो ब्रैकेट के अंदर होल्ड होता है, रुकता है ओरिंग से। इसको चेंज करना होता है एवरी 3 वीक या 1 मंथ बाद। और ओरिंग्स को इस तरह निकालते हैं मैथ्यूज़ की मदद से। फिर उसके बाद ये लगाते हैं वायर के ऊपर। तरह मैथ्यू से ओरिंग होल्ड करते हैं। दूसरा ये मोलर बैंड सीटर है, इसका फंक्शन ये है कि इससे हम मोलर बैंड को सीट करते हैं। मोलर बैंड लगाते हैं टीथ में और इससे बाइट करवाते हैं और इसके बाद मोलर बैंड सीट होता है। एक और इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है मोलर बैंड पुशर। इससे क्या करते हैं, मोलर बैंड को पुश करते हैं। मोलर बैंड लगाया हम मीजियली डिस्टली उसको पुश करते हैं। मोलर बैंड को लगाने के बाद एक और इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है ब्रैकेट रिमूवर। जब हम ट्रीटमेंट ख़त्म करते हैं तो इससे हम लोग ब्रैकेट रिमूव करते हैं, ब्रैकेट को होल्ड करते हैं यहाँ से इस तरह और उसके बाद उसको रिमूव करते हैं, ब्रैकेट रिमूवर कहेंगे। एक और इंस्ट्रूमेंट है ये मोलर बैंड रिमूवर है। जब ट्रीटमेंट ख़त्म करते हैं तो इससे मोलर बैंड रिमूव करते हैं। ये एरिया जिंजाइवली रखते हैं, ये ओक्लूजली रखते हैं और मोलर बैंड को होल्ड करके रिमूव करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे कहते हैं ब्रैकेट पोजीशनिंग गेज। इसमें डिफरेंट मेजरमेंट होती है कि आप किस
मेजरमेंट के साथ ब्रैकेट इंसाइजर से लगाना चाहते हैं, 5 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 4.5, 3.5। इसको ब्रैकेट के स्लॉट में रखते हैं और इस वाले हिस्से को ऑक्लूजल सरफेस पे। इस तरह हम लोग वर्टिकली मेजर करके ब्रैकेट लगा सकते हैं। ये सेपरेटर प्लायर, सेपरेटर हम लोग इससे लगाते हैं। मोलर बैंड लगाने से पहले हम लोग सेपरेटर लगाते हैं 1 वीक या 2 वीक के लिए। इस तरह सेपरेटर इसको ओपन करते हैं, इस तरह क्लोज करते हैं सेपरेटर लगा के, मीजोरिजिस्टली दो जगह लगा के और बक्ली लिंगुअली मूव करते हैं और सेपरेटर लगाते हैं। सेपरेटर प्लायर है ये। ये ओपन होता है इस तरह क्लोज, सेपरेटर लेके यूँ वो करते हैं इसको ओपन और फिर सेपरेटर लगाते हैं। ये ब्रैकेट होल्डर है, ओपन करते हैं, ब्रैकेट को होल्ड करते हैं और टीथ पे लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ये ब्रैकेट होल्डर है। ये आर्चो वायर है, ब्रैकेट हम लगाते हैं उसके ऊपर ये वायर्स लगाते हैं, इसको कट करते हैं उसके बाद ये आर्च वायर लगाते हैं। ये दो टाइप की होती हैं, एक स्टेनलेस स्टील एसएस की वायर कहलाती है, दूसरी नाइट आई निकल टाइटेनियम की वायर होती है। स्टेनलेस स्टील की वायर की ये पहचान है कि जब आप इसको टर्न करेंगे तो ये यूं करके टर्न हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। जब आप इसको बैंड करना चाहेंगे तो ये यूं करके बैंड हो जाएगी। इसमें शेप मेमोरी नहीं होती, ये एसएस की वायर है। वायर भी टू फॉर्म में आती है, एक राउंड वायर होती है, एक रेक्टेंगुलर वायर होती है। इसको आर्च वायर कहते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर लगाई जाती है। ये एक और वायर है, ये निकल टाइटेनियम की वायर है। जब इसको मैं बैंड करूँगा तो ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। इसमें शेप मेमोरी होती है। ये भी टू टाइप्स की होती हैं, रेक्टेंगुलर या राउंड। इनिशियली हम लोग राउंड नाइट आई वायर यूज़ करते हैं और केस के फिनिश के टाइम स्टेनलेस स्टील रेक्टेंगुलर यूज़ करते हैं। स्पेस क्लोजर में रेक्टेंगुलर यूज़ वायर करते हैं, एसएस। इनिशियली लेवलिंग अलाइनमेंट में नाइट आई वायर यूज़ करते हैं, राउंड फिर रेक्टेंगुलर। नाइट आई है, इसको मैं बैंड कर रहा हूँ लेकिन इसकी शेप मेमोरी है, ये बैंड नहीं हो रही, वापस आ रही है। ये पावर चेन है जिसको हम लोग स्पेस क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके जितने रिंग्स हैं
वो हर ब्रैकेट पे लगाते हैं, इसको कट करते हैं सीज़र से या स्ट्रेट कटर से, उसके बाद टीथ पे लगाते हैं। स्पेस क्लोजर के लिए इस्तेमाल होती है ये। ये भी डिफरेंट टाइप की आती है, क्लोज आती है, ओपन आती है, शॉर्ट लॉन्ग आती है। क्लोज़ वाली होती है जिसमें गैप नहीं होता, जिस रिंग के दरमियान गैप नहीं होता वो क्लोज वाली है, जैसे ये वाली। एक लॉन्ग आती है जिसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है, और तीसरी शॉर्ट आती है जिसमें गैप होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। तो तीन टाइप की होती हैं, एक जिसमें गैप बिल्कुल भी ना हो, एक गैप जिसमें ज़्यादा हो, और एक गैप जिसमें थोड़ा सा हो। इस वाली में गैप नहीं है, दो रिंग्स के बराबर गैप नहीं है, तो ये क्लोज़ वाली पावर चेन है। ये भी डिफरेंट कलर में आती है, ट्रांसपेरेंट आती है, ग्रे आती है, मल्टी कलर में आती है ये पावर चेन। स्पेस क्लोजर में यूज़ होती है। ये लाइगेचर वायर है, लाइगेचर वायर हम लोग दो चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। एक तो टीथ को कोलाइगेट करने के लिए, ग्रुप ऑफ टीथ बनाने के लिए, एनकेजी रिइंफोर्स करने के लिए। दूसरा कि अगर जिस टीथ बहुत ज़्यादा रोटेटेड है तो उस पर ओरिंग नहीं लगता, फिर हम लोग ये लाइगेचर वायर से मैथ्यू से टाई करते हैं लाइगेचर वायर, उसको कट करते हैं। ये भी शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, सिंगल टूथ भी आता है, और एक ये जिस तरह मेरे पास लॉन्ग है ये लॉन्ग, एक शॉर्ट में भी आता है जो इतना होता है। ये ऑर्थोडोंटिक के इम्प्लांट हैं, माइक्रो इम्प्लांट कहते हैं, एनक्रीज रिइंफोर्स के लिए यूज़ होते हैं। ये भी डिफरेंट डायमीटर डिफरेंट लेंथ में आते हैं। स्पेस क्लोजर हो, डिस्टलाइजेशन हो, डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। स्क्रू जैसे होते हैं, स्क्रू की टाइप के। ये ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स हैं, इसका शेप हर टीथ का अलग होता है, और इसमें एक कलर दिया हुआ होता है। चार इसके विंग होते हैं ब्रैकेट के, और एक विंग पे कलर होता है। जो कलर होता है वो डिस्ट्रो जिंजाइवल पोजीशन पे आता है। नॉर्मली कैनाइन के ब्रैकेट पे हुक होता है, लेकिन कभी कभी फर्स्ट या सेकेंड प्रीमोलर पे भी हुक होता है। हुक भी डिस्ट्रो जिंजाइवल आता है कैनाइन में, जबकि प्रीमोलर्स में मीजियो जिंजाइवल आता है हुक। ये जो है ये मेरे पास मोलर ट्यूब है। समटाइम्स हम लोग 6 पे या 7 पे मोलर बैंड नहीं लगाते, ये मोलर ट्यूब लगाते हैं, जिसको बकल ट्यूब भी कहते हैं या अटैचमेंट कहते हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है ब्रैकेट से। ब्रैकेट से थोड़ी बड़ी होती है साइज में, और शेप में फ़र्क होता है मोलर ट्यूब और ब्रैकेट। ये मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम टक्कर है। ये टक्कर कभी कभी रोटेटेड टीथ होता है तो नाइट टाइम वायर इंगेज कर रहे होते हैं तो इससे होल्ड करते हैं, फिर उसके बाद ओरिंग या लाइगेचर वायर लगाते हैं।
ये स्ट्रेट कटर है। ये लाइगेचर वायर कट करने के लिए होता है। माउथ के बाहर इंट्रो और एक्स्ट्रा ऑर्डरली इसको यूज़ करते हैं। जैसे ये लाइगेचर वायर है, हमें कट करना है तो ये लाइगेचर वायर से कट होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डरली इसको यूज़ करते हैं, स्ट्रेट कटर कहलाता है ये। ये डिस्टल एंड कटर है। इसको डिस्टल एंड इस वजह से कहते हैं कि ये मोलर बैंड के डिस्टली, अगर वायर कट करना हो, वायर लगाया आपने कट करना हो तो ये कट कर सकते हैं। इंट्रोरली यूज़ करते हैं माउथ के अंदर इसको। इसका एक फ़ायदा ये है कि वायर जब आप कट करते हैं तो वायर जो है वो इसके साथ होल्ड हो जाता है, गिरता नहीं है वायर या उड़ के कहीं जाता नहीं है। जैसे ये वायर है जिसके लिए मुझे कट करना है तो कट करता हूँ तो ये एकदम से वायर उड़ के कहीं जाएगा नहीं, पेशेंट के लगेगा नहीं, इसके अंदर होल्ड हो जाएगा वायर। ये आर्च वायर कट करने के लिए यूज़ होता है डिस्टल एंड कटर माउथ के अंदर। ये एक और इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है वाइन गार्ड। ये आर्च वायर को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है, होल्ड करके आर्च वायर को ब्रैकेट में लगाते हैं, मोलर बैंड से बात करते हैं। ये इस तरह आर्च वायर है तो इसको होल्ड करते हैं इससे और उसके बाद फिर ब्रैकेट्स में लगाते हैं, इसको वाइन गार्ड बोलते हैं। आर्च वायर को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। यूं करके होल्ड करते हैं, लगाया यूं करके होल्ड कर लगाया। कर्व इस वजह से होता है कि ये इजी रहे एक्सिस में। ये पेशेंट का लेफ्ट, ये पेशेंट का राइट, इस तरह यूज़ करते हैं इसको, वायर को होल्ड करके लगाते हैं। ये कॉर्ड प्लायर है, इसका नाम है बर्ड बीक प्लायर। इसकी शेप बर्ड की बीक की तरह होती है, एक राउंड होता है और एक ट्रायंगल टाइप का होता है बर्ड बीक। इससे हम लोग वायर बेंडिंग करते हैं या लूप बनाते हैं। ये वैसा होता है जैसे आपके राउंड प्लायर होते हैं, एक राउंड प्लायर और एक एडम्स प्लायर। एक भी किसकी राउंड प्लायर वाली है, एक भी किसकी एडम प्लायर वाली है। ये एक और प्लायर है, इसका नाम है ट्वीट प्लायर। इसे हम लोग वायर बेंडिंग करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वायर बेंडिंग करते हैं इसे हम।
ट्वीट प्लायर है। एक और चीज़ है, ये एब्रेसिव स्ट्रिप्स हैं। हम लोग APR करते हैं बर से, उसके बाद हम लोग स्मूथ करने के लिए एब्रेसिव स्टील स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक एब्रेसिव है और इसके पीछे वाला हिस्सा स्मूथ है, शाइनी है। आगे वाला हिस्सा में एब्रेसिव है, तो IPR करने के बाद इसको स्मूथ करते हैं इससे, एब्रेसिव स्ट्रिप से, इंटरप्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग करने के बाद। अब एक आखिरी चीज़ जो इलास्टिक्स होते हैं, Class 1, Class 2 या फिनिशिंग इलास्टिक्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट डायमीटर के, डिफरेंट साइज़ के इलास्टिक होते हैं। ये पेशेंट ख़ुद वेयर करता है, उसको एक दफ़ा लगाना सिखा देते हैं। ये रबर बैंड की तरह होते हैं। इलास्टिक होते हैं ये, इलास्टिक्स पेशेंट ख़ुद पहनता है। Thank you.